हेलो गाइस, कैसे हो? तो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आता है दोस्तों कि मैं विजिट वीज़ा में आना चाहता हूँ और हेल्पर की जॉब में आना चाहता हूँ, सही रहेगा कि नहीं? तो प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ अपने 12 साल के एक्सपीरियंस पे कि ऑलरेडी खुद मैं दुबई में 12 साल से जॉब कर रहा हूँ और जो भी बताऊँगा यार रियलिटी के बेस पे बताऊँगा। और मैं ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। बट कुछ ऐसा वर्कर भाइयों लोग का सवाल रह जाता है और बहुत मात्रा में सवाल आता है, तो मैं सोचता हूँ यार इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाकर बहुत सारे वर्कर भाइयों को कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ। क्योंकि जो यहाँ पर रियलिटी है वो अलग चीज़ है और एजेंट जो बताता है और जो वहाँ से बैठे बैठे लोग वीडियो बनाते हैं, न्यूज़ देते हैं, वो अलग चीज़ है। यहाँ जो डे टू डे लाइफ में होता है यार वो अलग चीज़ है, सही है ना? इसके लिए मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ और चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा दोस्तों, वो कोड के साथ आप कमेंट करोगे तो आपका भाई ज़रूर जवाब देगा। और कंपनी से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो दूसरा वाला चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, उसको सब्सक्राइब करके उस पर कोड के साथ आप वो वाला चैनल पर कमेंट करोगे तो आपका भाई ज़रूर जवाब देगा। क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो और सीधा कमेंट कर देते हो, इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखकर सही से सोचकर समझकर फिर कमेंट करो तो आपका भाई जवाब देगा। तो कम से कम हर वीडियो के नीचे भाई लोग का कमेंट रहता है कि हेल्पर में जॉब के लिए विजिट वीज़ा पे मैं आऊँ कि सही रहेगा कि नहीं। तो मैं क्लियर बता दूं दोस्तों कि यहाँ का स्टेटस क्या है, विजिट वीज़ा पे यहाँ पे जॉब मिलता है कि नहीं। तो अगर कोई ट्रस्टेड एजेंट है, जो अच्छे एजेंट है, बहुत सारे ख़राब भी एजेंट है और बहुत सारे अच्छे भी एजेंट है, ये बात आप याद रख लें। बहुत सारे जो ट्रैवल है वो अच्छे भी हैं, जो वर्करों को बुलाकर अच्छे से जॉब देती है। बहुत सारे एजेंट लोग हैं वो पैसे ले लेती और फिर फंसा देती है, क्योंकि विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर विजिट वीज़ा में आप पैसे दे चुके हो एजेंट को या फिर दूसरे कोई फ्रॉड कर दिया है विजिट वीज़ा में आपके साथ पैसे लेकर जॉब के नाम पर, तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ, अगर आप मान लीजिए पुलिस के पास जाओगे या और भी कानून में जाओगे, कोर्ट में जाओगे, तो यहाँ आपको कुछ भी बात नहीं सुना जाएगा और भी आपको अंदर कर दिया जाएगा। क्योंकि विजिट वीज़ा पे जॉब सर्च करना इलीगल है, गवर्नमेंट ने क्लियर कट कर दिया है कि विजिट वीज़ा पे यहाँ पे कोई जॉब नहीं कर सकता है, नहीं सर्च कर सकता है। लेकिन हम लोग तो एक बहाना के तौर पर आते हैं। विजिट वीज़ा का मतलब है दोस्तों घूमने आना, मतलब विजिट करना। गवर्नमेंट को भी मालूम है कि लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, वो लोग को तो फ़ायदा है, वो लोग के मान लीजिए वीज़े का पैसा मिल रहा है, यहाँ पे आता है आदमी तो खाता पीता है, टैक्स देता है, तो वो सब पे इसलिए वो लोग भी कान मतलब मटिया कर रहते हैं, सही है ना? तो अगर विजिट वीज़ा पे आपके साथ कोई एजेंट पैसे ले लिया जॉब के नाम पे, तो आप यहाँ पे कंप्लेन नहीं कर सकते हो। जाओगे तो सीधा आपको अंदर करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि हाँ किसने आपसे ठगा है, क्या किया है, क्योंकि यहाँ पे अनलीगल है। जो चीज़ अनलीगल है वो अनलीगल है, इसीलिए एजेंट लोग यहाँ पे दादागिरी करते हैं, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि जो भी कर सकता है इंडिया में कर सकता है। तो आपके अगर पहचान के आजू बाजू के एजेंट है या ऑफिस है तो मुश्किल नहीं, आप तो उससे निपट लोगे। बट मान लिया आप रहते हो बिहार में और ऑफिस है मुंबई में या दिल्ली में, तो आप कैसे करोगे? इसीलिए आपको बहुत सोच समझ के आने जुकुर है। और रह गया बात हेल्पर के दुबई में विजिट वीज़ा पे आने का दोस्तों, तो मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ, कभी भी आप हेल्पर में विजिट वीज़ा पे मत आना। हाँ, मैं जैसा बोला कि ट्रस्टेड एजेंट है, जो ऑफिस अच्छी है, जो एक्चुअली जॉब दिलाती है, उसका बात अलग है। और ऐसे अगर विजिट वीज़ा पे आओगे तो बहुत कम सैलरी, मान लिया आपको ये लोग भेजेंगे बिना, तो सैलरी वहाँ 1000 बताएगा तो यहाँ 600 700 दरम 800 दरम ऐसी सैलरी लगाएगी, तो उसमें आप क्या खाओगे, क्या बचाओगे? इसीलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे कोई बड़ा मास्टरी करके नहीं आना है काम का, कोई भी काम जो भी आपको इंटरेस्ट है, मान ली कारपेंटर हैं या फिर इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, एसी टेक्नीशियन है, तो थोड़ा बहुत नॉलेज ले लो इंडिया में ही काम करके, 1 महीना 2 महीना 4 महीना। अगर आपके लगन है तो 1 2 महीने में अच्छे से सीख जाओगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह काम। आपको थोड़ा भी अगर मालूम है, प्रैक्टिकल थोड़ा मालूम है और आपको अच्छे से इंटरव्यू दे दिए, तो आप मिस्त्री में आओ, सैलरी भी अच्छा लग सकता है और जॉब भी अच्छे से लग सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों विजिट में हेल्पर में आपको बिल्कुल नहीं आना है, सही है? क्योंकि यहाँ पे अभी मतलब वैकेंसी से ज़्यादा ऑलरेडी खुद यहाँ पे वर्कर लोग आकर बैठे हैं। ये आपको मैं नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, ये फैक्ट कर रहा हूँ। जो लोग विजिट में फंसे हुए हैं दोस्तों, वो लोग कमेंट में यस प्लीज़ लिखना, ताकि जो मेरे इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से आने वाला भाई लोग, उन लोग को विश्वास हो कि विजिट पर यहाँ पर जॉब सर्च करना कितना मुश्किल है। आप बड़े पोस्ट की बात अलग छोड़ दो, हम लोग जैसा यहाँ पे अगर अपने से जॉब सर्च करने जाओगे मुश्किल है। कहाँ से जाओगे? एक यहाँ से अगर 10 किलोमीटर जाते हो, 20 किलोमीटर जाते हो, टैक्सी का भाड़ा इंडिया का 200 300 रुपये है, मतलब आप 10 दरम 20 दरम आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो,
टैक्सी का भाड़ा इतना है, पैदल चलने का यहाँ अलाउड नहीं है, सही है ना। तो बहुत मुश्किल है दोस्तों, आप लोग विजिट में अगर हेल्पर में आना चाहते हो तो आप बिल्कुल मत आना। हाँ एकदम अगर भरोसे का एजेंट है कि यहाँ अगर आपके साथ फ्रॉड करता है, आप इंडिया में उससे निपट सकते हो, तो नो प्रॉब्लम, आप आ सकते हो अगर भरोसे का है तो। और नहीं तो अभी थोड़ा बहुत काम सीख लो, और एम्प्लॉयमेंट वीजा अगर मिलता है हेल्पर का तो बिल्कुल आप बेधड़क आना। एम्प्लॉयमेंट वीजा में कोई टेंशन नहीं है, सीधा आपको सीरा जिम्मेवारी कंपनी का होता है। अगर एम्प्लॉयमेंट वीजा आपको मिलता है तो एयरपोर्ट पे कंपनी का वर्कर खुद जाएगा लेने के लिए, कंपनी का जो आदमी होता है वो जाएगा, आपको रिसीव करेगा, आपको अपने रूम में लाएगा, तकिया देगा, बिस्तर देगा, खाने का अरेंज करेगा, रूम का अरेंज करेगा, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि मान लिया आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आप वहाँ पे एयरपोर्ट पे आए हो और आपको कोई लेने नहीं आया, तो गवर्नमेंट पहले आपका वीज़ा देखेगी कि कौन सा कंपनी का वीज़ा है, वर्कर को क्यों नहीं लेने आया। सीधा वो गवर्नमेंट ने वो कंपनी को फाइन मार देना है, बोला कि क्यों जब तुमने वीज़ा दिया है तो क्यों नहीं लेने आया, इतना बड़ा कड़क शासन है। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि वहाँ से ही हर चीज़ हो जाता है, आपको सैलरी कितना मिलेगा, लिप सैलरी कितना मिलेगा, ओवर टाइम कितना मिलेगा, खाने का कंपनी देगी कि नहीं, पूरा सिस्टम लिखा रहता है एकदम पेपर पे। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में अगर मान लिया ऐसे एजेंट अगर 50,000 ले रहा है, 10,000 ज़्यादा भी ले, आपको बेधड़क आर जाना है दोस्तों, 10-20 का देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आपको टेंशन नहीं रहेगा, सारा लिखित रहेगा, सही है ना, सारा लिखित रहेगा तो टेंशन ही नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी मेरे वर्कर भाई, क्योंकि मैं खुद वर्कर हूँ यार, तो जो भी बताऊँगा यहाँ पे रियलिटी के बेस पे मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आओ, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको काम नहीं भी करोगे तो आपका मीटर चालू रहेगा, कंपनी के पास काम हो ना हो उससे मुझे क्या मतलब है, क्योंकि कंपनी का काम है काम खोजना, मेरा काम है काम करना, मैं काम के लिए तैयार हूँ, बट कंपनी काम नहीं दे रही है तो उसका मसला है, आपका सैलरी चालू है। अगर कोई प्रॉब्लम भी हो गया, एक कॉल कर दोगे अगर आप भाई लख हिम्मत जता के, आपको कंपनी सैलरी नहीं दे रही है और या आपको खाने नहीं दे रही है, रूम नहीं दे रही है, एम्प्लॉयमेंट वीजा की बात कर रहा हूँ, विजिट वीजा की नहीं, तो आप एक कंप्लेन से उन लोगों का हालत ख़राब हो जाएगा। कंप्लेन लोग नहीं करते हैं ये अलग बात है, सही है ना, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ, इस बेस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो जो मैं बताया दोस्तों वो कान खोलकर आप सुन लो, और जो भी चलता है वीडियो में, मैं जैसे बोला कि 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करोगे तो आपका भाई ज़रूर रिप्लाई करेगा, क्योंकि मैं कोई भी एक स्क्रिप्ट लिखकर मैं नहीं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो प्रैक्टिकल हो रहा है वही मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, जब तक गुड बाय।